जी को रिझाने से, गुरु जी को प्रसन्न रखने के से परमात्मा प्राप्ति होती है। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठोड़ है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस तरह के ज्ञान से वो पूरी तरह रंगा जा चुका था। उसको ये विचार था जब घर छोड़कर आया हूँ, परमात्मा पाने के लिए आया हूँ, तो कोई ऐसी त्रुटि ना बने जिसे मेरे गुरु जी से मेरा प्यार कम हो जा। पुण्यात्मा विधान तो यही है, लेकिन नकली नकल करके इसको बिगाड़ देते हैं, श्रद्धालुओं को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन श्रद्धालु तो उसी उन्हीं को आधारित बनाकर अपनी क्रियाएं करते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांप दे, ना जानू किसी बात पर मारो टूट न जावे ने। के सतगुरु के दरबार में इसलिए डरते रहते हैं कि परमात्मा किसी बात से हमारा प्रभु से प्यार कम ना हो जा, गुरु जी से लगाव कम ना हो जा। इस आधार से तो शेख फरीद जी बहुत ही पंचुअल और ऐसी क्रियाएं करता था जो गुरु जी को हरदम पसंद आवे थी, और वो कभी ना कभी उस बच्चे को विशेष शाबाशी दे ही देते थे गुरु जी। इससे दूसरे रहने वाले सेवकों को ईर्ष्या बन गई, जो दूसरे सेवक वहाँ रहते थे उनको ईर्ष्या बन गई कि गुरु जी तो भाई इस फरीद ने जो है सबसे ज़्यादा महत्व देने लग गए, और कोई ऐसा तरीका ढूंढो जो ये गुरु जी के दिल से गिर जाए। अब क्या किया कि वो प्रतिदिन वो उनका गुरुजी हुक्का पिया करता। अब एक ही भगत की सारी ड्यूटी होया करती, उस दिन कपड़े भी धोएगा, उनका खाना भी बनाओगा, हुक्का भी भरेगा, आग बनाओगा, दोनों टाइम जब भी जितनी बार खाना खाओ। तो वो गुरुजी जो था खाना खाने के तुरंत बाद हुक्के की डिमांड करता था। अगर कोई 5-7 मिनट लेट हो जाता, 10 मिनट, तो उस सेवक ने डंडा पीटा करता, इतना क्रोधी था। क्योंकि तपस्वी में तामस ज़्यादा होता है, वो तपस्या को ही आधार बताया करता था, और स्वयं भी तपस्या करके ही ये कुछ सिद्धियां प्राप्त किए हुए था वो गुरु उनका शेख फरीद जी का। तो एक दिन वर्षा का मौसम था, वर्षा नहीं थी लेकिन मौसम चौमासे का था। अब शेख फरीद ने अग्नि, जैसे खाना बनाया, अग्नि बन जाती है उसमें और लकड़ी लगा के हुक्का भरने के योग्य अग्नि तैयार कर ली, वो पहले कर लेते थे। फिर खाना खिलाने जाते थे, खाना खिलाते ही हुक्के की चलम ला करके ताखू डाल कर हुक्का भर कर गुरु जी को दे देते थे। शेख फरीद को तो पता था, अपनी तरफ से उसने आग बना कर रखी हुई थी कि अभी खाना खिलाते ही आराम से हुक्का भर कर दे दूंगा। उधर से उनके दूसरे जो शिष्य भाई थे, गुरु भाई थे, उन्होंने वो अग्नि बुझा दी जो हुक्का भरने वाली थी। अब शेख फरीद तो खाना खुना खिला के आराम से बर्तन बुर्तन साफ करके फिर हुक्का भरने चला। अब देखा उसने जाके आग को नहीं, आग तो खत्म है। उसने सोचा मौसम वर्षा का है, इस करके बुझ गई होगी। वहीं से चलम उठाई, तम्बाकू डाला, और गांव लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव था, और वहाँ देखा एक घर में धुआं उठ रहा था। दौड़ा दौड़ा गया, और वो माई क्या कर रही थी कि लकड़ियाँ लगा रही थी, धुआं ऐसे फूक मार रही थी, फू फू आँखों में धुआं बढ़ रहा था, आँखों में आंसू आ रही थी, दुखी हो रही थी। आग बढ़ा नहीं थी क्योंकि मौसम वर्षा का, आग जल नहीं रही थी। तो उसने जाकर कहा माई अग्नि देना, माई अग्नि देना, हुक्का भरना है गुरुजी के लिए, हुक्का भरना है। अब शेख फरीद ने सोचा जब गुरुजी नाराज हो गए तो बात बिगड़ गई, मेरी तो करी कराई कमाई गई सारे जीवन की,
और ये गुस्सा बहुत करते हैं और नाराज, और फिर कई दिन सेवा नहीं दिया करते थे जिससे थोड़ी सी त्रुटि हो जाती। तो माई के पास जाके कमाई अग्नि देना, माई अग्नि देना। माई कहने लगी आँख फोड़वा ले जब मिल लेगी अग्नि, हैं आँख फोड़ ले जब मिल लेगी अग्नि, मैं मेरी तो आँख फूटगी यार धूमे में। वह कहते नहीं थी मैं धूमे में आँख फूटगी तो भी फोड़वा ले धूमे में जब मिल अग्नि, यानी तू बना क्यों ना ली तेने वहाँ पर अपनी अग्नि। तो उसने सोचा या माई ने कहा आँख फोड़ ले, इस आँख फुट फोड़ेगा जब आग दूंगी। नो बोला माई ये ले चमटा दे के आँख काट के देती, इकले माई आँख फोड़ दी मैंने ये बाग देते अग्नि देते। ये माई ने देखा इतने सचमुच महात्मा भगत ने तो आँख फोड़ दी। एक लोहा बैठगी तू लेते अगले महाराज बर ले ले जाकर उन्हें फटाफट अग्नि भरी और ऐसे आँख का कपड़ा बन दिया रुमाल सा और फिर भाग लिया। अब अंधेरा सा हो गया था, गुरुजी ने पहली आवाज लगाई रे शेख फरीद उका ना लै भाई, दूसरी फेर लगाई और तीसरी लगाई ने बोला रहा कित मर गया तू आज कहाँ चला गया तने इतने उका नहीं भरिया तेरा दिमाग खराब हो गया दिखे। तो उन्होंने सोचा बिगड़ की बात, इतना मैंने बोला आ गया गुरुजी आ गया गुरुजी यो आ गया रख के हो गया था गुरु जी यहाँ आग बुझ गई थी मौसम खराब है ना और वहाँ से भाग कर ले आया हूँ गुरु जी माफ़ करना। कहा अच्छा भाई रख दे। अब वो तो का पींदे सुखराटे भरा करता सो जाया करता, गुरु जी तो रोटी खा के हुक्का पीगा अपना पड़ जाता। तो उसने देखा अरे शेख फरीद यो आँख करके लग गया बेटा, अकबर दया है आपकी महाराज के लग गया था आपके होते होते हैं ऐसे ही थोड़ा सा बस ज्यादा कुछ बताया नहीं। अब वो तो पी कर क्या लेट गया। अब माई ने सारी रात नींद आई नहीं, रात हो गई थी कि जाऊँ क्यों कर आश्रम में वो संत बात नहीं करें। सुबह गई वह आँख ने धर रही एक बर्तन में छोटे से में वो आँख जो काट के वहाँ गेर का आया था और आके ने बोलिए महाराज जी मेरे से गलती होगी माफ़ करना। वह डर गई कि पदे शराब दे दें वचन बुढ़ा काट दे संत उनके चेले के साथ मैंने ऐसी बदतमीजी कर दी। वह डरती डरती ने कह जी मेरे से गलती होगी। क्या हो गया माई संत ने पूछा कि आपका शिष्य अग्नि लेने गया था मैं धूमे में दुखी हो रही थी लकड़ी गीली थी मौसम खराब था आग ना बड़े थी और मैंने तो गुस्से में कहा था कि आँख फोड़ ले जब मिला कर जब बनेगी अग्नि जब मिल लगी अग्नि, आपके चेले ने आँख काट के दे दी महाराज ये देखो मैंने माफ़ कर दियो। उन्होंने बुला रहे कौन शेख फरीद हो रहे ना वो आया कहाँ जी क्या बात हो गई थी जी ऐसे ऐसे अग्नि बुझ गई थी मैंने सोचा गुरु जी रुष्ट हो जाएंगे और माई ने बोली आँख फोड़ ले जब आग मिलेगी मैंने आँख फोड़ दी गुरु जी के लिए जब मट्टी है ये शरीर आपका है गुरु जी। उनकी सच्ची श्रद्धा देख कर सीने से लगा लिया उस संत ने और कहा बेटा खोल दे पट्टी। वो पट्टी खोल दी उसकी आँख नो की नो होगी पूरी लेकिन थोड़ी छोटी रहेगी आँख नो की नो ओके स्वस्थ होगी और वह एक निकली पड़ी बाहर। तो ऐसी भी सिद्धि उस संत के पास थी लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग नहीं था ज्ञान ठीक नहीं था। ऐसी सिद्धि होने के बाद ऐसी करामात होने के बाद उस अक्षेत्र में उस काल के दूत की इतनी महिमा बन गई उस संत की ओहो दुनिया गुण गावा भाई कमाल कर दिया न्यू हो गया वह बात आग की तरह फैल गई। काल तो ऐसे ही करता। तो पुण्यात्माओं ऐसी महिमा देखकर किसी संत की और उसके ऊपर जो आश्रित हो गए वह कैसे दूर हो। परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध चौबीसा हंस बिछोड़े बिस्वे बीसा। इस पिछले जन्म की कमाई तो और वर्तमान की हठ योग क्रियाएं और विशेष मंत्र के एक विशेष जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं ये तो एक सिद्धि हमारी भक्ति से हमारा जो मंत्र है इस मंत्र से भगत के अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी
लेकिन इन सिद्धियों को योग नहीं करना, नहीं तो कर्म बिगड़ जाएंगे, भक्ति बिगड़ जाएगी। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध चौबीसा, हंस बिछोड़े बिस्वे बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि तन मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पान पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी। एक सिद्धि सब एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि पर लोके वासा। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहु चोले धार है, एक सिद्धि नीतत विचार है। एक सिद्धि पांचो तत नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई। एक सिद्धि जो बरबंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट वेले। चौबीसा कूना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटराणी, सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब परमात्मा की महिमा सुनाते हुए गरीबदास जी ने कहा कि परमेश्वर कबीर जी के इस मंत्र में, जाप में, साधना में ये 24 सिद्धियां आ जाएंगी। और इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। उसके ऊपर भक्ति का की कमाई उसकी सुरक्षित रहेगी, जो इन 24 सिद्धियों को भी नहीं चाहेगा। कौन कौन सी सिद्धि अभी आपको गिनवाई हैं? शब्द महल में सिद्धि चौबीसा, अंश बिछोड़े बिस्वे बीसा। अभी तक आप जी ने 8 सिद्धि सुनी है। ये भगवान शंकर के पास निधि हैं, सिद्धि हैं। इन्हीं में से एकादी सिद्धि जो तप साधना करते हैं इन पुजारियों को दे देते हैं, उस एक अर्धी की गांठ पर ये पंसारी बन जाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है, और ये तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी यदि तुमने इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इनका नहीं प्रयोग करना, ये तो बाई प्रोडक्ट है आपका। भक्ति का बाई प्रोडक्ट है सिद्धि। हमने भक्ति चाहिए, और जैसे ये समझ लो गेहूँ बनाते हैं ना, उसमें बुरली हो जाती है, वो यूजलेस होती है। उनमें एक आधा दाना भी होता है, थोड़े बहुत गेहूँ भी होते हैं, पर वो यूजलेस। ये सिद्धि साधना तो बुरली समझ लो। हमने अपनी कणक सुरक्षित रखनी है, सत भक्ति सुरक्षित रखनी है, इसका सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं रखना। कौन कौन सी सिद्धियां बताते हैं? एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। ये सिद्धियां होती हैं जो आपके मन में क्या सोच रखा आपने वो बता देगा सामने वाला। उसके एक वो मन की वृत्ति बताने वाली सिद्धि जिसने अपनी कंप्लीट कर रखी है, साध रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी, तो किसी ने बताया कि वहाँ इधर गुड़गांव साइड में एक मुसलमान है, और वो जाते बता दिए चोर का नाम। तो उसने वो वहाँ गए 5-7 हमारे घर वाले, उसने कहा कि तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख लो, और उसके साथ साथ और 10 नाम और पर्चियाँ बना लो। एक तो उसकी हो जिसके ऊपर तुमने शक है, और बाकियों की 9 के नाम और लिख दो, 10 पर्ची यहाँ डाल दो, मैं अपने आप उठा के दे दूंगा, वो चोर होगा। अब उन घरवालों को किसी एक पर शक था, उसका नाम लिख दिया। सबके जितने सेव वहाँ गए थे सबके मन में यूँ था कि यूँ पक्का चोर है, और वो पर्ची डाली, उसने वह ये पर्ची उठा के दे दी। वह मन की वृत्ति जाने था कि किसके बारे में सोच रहे हैं ये चोर।
सब खुश हो गए। अकवा भाई वाह, बड़ी बात है। तो